नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढ़ी मा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। अलीपुर द्वार में सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर मनाई गई होम्योपैथी सप्ताह। होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर अलीपुर द्वार के तोपसेखा आयुष अस्पताल में होम्योपैथी सप्ताह मनाया गया। यह होम्योपैथी सप्ताह 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जाएगा। अलीपुर द्वार आयुष अस्पताल में मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ होम्योपैथी सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर अलीपुर द्वार जिला अस्पताल के डॉक्टर चिन्मय बर्मन উপস্থিত রয়ে থে। এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামে আসলেন। না, এটা সত্যি একটা ভালো প্রোগ্রাম। এটা হানিম্যানের জন্মদিন উপলক্ষে হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথি ডে। তা হোমিওপ্যাথি যে চিকিৎসার পদ্ধতি প্রণালী এবং এটার আরও যেন সমাজের সর্বস্তরে আলোড়ন ফেলে এবং প্রচার হয়, মানুষ যাতে পরিষেবা নেয়। সরকার থেকে তো আমাদের একটা ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হসপিটাল, যেখানে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদী, পঞ্চকর্মা, নানান রকম চিকিৎসার পরিষেবা আছে। মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের ডাক্তারবাবু যারা আছে এই স্কিমের, তারাও সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে পরিষেবাটাকে আরও উন্নত করার। নতুন স্যার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে নতুন কিছু আসছে না, আগামীর জন্য কিছু বলা যাবে? ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে 12 বেডের সিসিউটা 24 বেডের সিসিউ এর কনস্ট্রাকশন মোটামুটি কমপ্লিটের দিকে, যন্ত্রপাতি ধীরে ধীরে ঢুকছে এবং আশা করি খুব শীঘ্র তৈরি হয়ে যাবে। আর নতুন আমাদের আইয়ের একটা অপারেশনের ক্ষেত্রে একটা নতুন একটা মেশিন এসে, ফ্যাকো মেশিন, ফ্যাকো সার্জারিও হয়তো আমরা তার চালু করতে পারবো। স্যার কোভিড পরিস্থিতি কীরকম স্যার এখন বর্তমানে? কোভিড তো অনেকটাই কমে গেছে, মানে পজিটিভ আমাদের এখানে প্রায় পাওয়াই যাচ্ছে না। আমাদের এখানে রেগুলারই টেস্ট হচ্ছে, তবু মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে হবে নিজ এরিয়া মাস্ক পরা, যেগুলো নর্মাল নীতি সেগুলো তো মানতেই হবে কোভিড বিহেভিয়ার। तूफान में मारे गए सुधर विश्वास के परिवार वालों के साथ खड़ी है राज्य सरकार, ये बातें कही है इस्लामपुर के महकमा शासक सप्तर श्री नाग ने। परिवार वालों को सौंपा गया राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालीनगर इलाके में हाल ही में आए तूफान में मारे गए सुधर विश्वास के परिवार वालों को राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए इस्लामपुर महकमा शासक सप्तर श्री नाग उक्त इलाके में पहुंचे थे। इस बीच स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में इस्लामपुर थाने अंतर्गत काला नागिन में मृत सुधर विश्वास के परिवार वालों को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इस्लामपुर महकमा शासक सप्तर श्री नाग एवं जिला तृणमूल अध्यक्ष कनैल अग्रवाल के अलावा इस्लामपुर के BDO रजत रंजन दास, चोपड़ा के BDO समीर मंडल, ग्वेलपोखर के BDO अंतनु घोष, इस्लामपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष श्यामल सरकार, स्थानीय परिषद सदस्य और स्थानीय सदस्य भी मौजूद रहे थे। যে মারা গেছে তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, কিন্তু এটা রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতন রাজ্য সরকারের তরফে সামান্য সাহায্য, যেটা 2 লাখ টাকার চেক ওনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। এবং ওনার বাচ্চা, মানে ছেলেটিও দেখতাম একদমই অল্প বয়স, সকলেরই এখানে খুব একটা মন খুব খারাপ সকলের, যেটা স্বাভাবিক। এবং তা সত্ত্বেও ছেলেটার বড় হবে, এদের সমস্যাতে কালনাগিরে সবাই আশ্বস্ত করেছে, ওর পড়াশুনো সব কিছু সরকারের তরফে দেখা হবে, সরকার সবসময় পরিবারের পাশে আছে। सिलीगुड़ी प्रधाननगर थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अग्नेस्त्र के साथ एक युवक गिरफ्तार, आज किया गया कोर्ट में पेश। सिलीगुड़ी में उसके आसपास के इलाकों में लगातार अग्नेस्त्रों की बरामदगी की जा रही है और पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर रही है। इसी क्रम में प्रधाननगर थाने की पुलिस ने एक अग्नेस्त्र के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रोहन आलम बताया गया है, वह इस्लामपुर जिले के गुजरिया बाजार का निवासी बताया गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 1 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी रोहन आलम इस्लामपुर से एक अग्नेस्त्र लेकर सिलीगुड़ी पहुंचा था और वहां उसे बिक्री करने के लिए सिलीगुड़ी के जंक्शन इलाके में घूम रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जंक्शन इलाके में अभियान चलाकर उसे रंगे हाथों धर दबोच लिया। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पेन क्लिनिक की हुई शुरुआत। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आज से पेन क्लिनिक की शुरुआत की गई।
স্পেশাল অফিসার অন ডিউটি উত্তর বঙ্গালকে অধিকারী সুশান্ত রায় নে মঙ্গলবার কো ইস ক্লিনিক কা উদ্ঘাটন কিয়া। ইসকে আলাভা ইস উদ্ঘাটন সমারোহ মে উত্তর বঙ্গাল মেডিকেল কলেজ অর অস্পতাল কে অধীক্ষক সঞ্জয় মালিক, প্রিন্সিপাল ইন্দ্রজিৎ শাহ, ডিন সন্দীপ সেন গুপ্তা অর অন্য ভি শামিল হুয়ে থে। অস্পতাল সূত্রো কে মুতাবিক করিব 2 করোড় রুপিয়ো কি লাগত সে ইস সেবা কি শুরুয়াত কি গই হে। জহাঁ यह आउटडोर सेवा है और जल्द ही इसे इंडोर सेवा की भी शुरुआत की जाएगी। झारखंड के देवघर रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। रेस्क्यू के दौरान गिरी महिला की हुई मौत। हादसे के 45 घंटे के भीतर 46 लोगों को बचाया गया, 4 लोगों की हुई मौत। झारखंड के मुख्यमंत्री ने दी उच्च स्तरीय जांच के आदेश। झारखंड के देवगढ़ के पास त्रिकुट पहाड़ी पर रोपवे में फंसे पर्यटकों और यात्रियों को बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 46 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दूसरे दिन भी महिला की ट्रॉली से गिरने से मौत हो गई। वहीं सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान गिरने से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा था। एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 2500 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोप वे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 लोगों को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवाएं होने की वजह से यह सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक था। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कई महीनों पहले जूता फैक्ट्री में हुई थी चोरी, पुलिस के गिरफ्त में आया आरोपी आज किया गया अदालत में पेश। 6 महीने पहले सिलीगुड़ी शहर सटे डाबग्राम इंडस्ट्रियल पार्क इलाके में जूता बनाने वाली कंपनी में चोरी की वारदात सामने आई थी। उक्त चोरी हुए सामानों की कीमत 20 लाख रुपए की थी। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी थाने में उक्त कंपनी के मालिक के द्वारा इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां जांच में जुटी पुलिस ने आखिरकार एक आरोपी को पकड़ ही लिया। उक्त आरोपी का नाम कृष्ण सरकार बताया गया है, वहां उसी फैक्ट्री के कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने उसे सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज उक्त आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबिट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Thank you.
सिलीगुड़ी में घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away, international furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगे लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क फूलबाड़ी सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में मालवाहक ट्रक के चपेट में आने से चालक ने गवाई अपनी जान। जहां सिलीगुड़ी से सिक्किम की ओर कुमरिक क्षेत्र के लिए हार्डवेयर के सामानों से लदे एक मालवाहक ट्रक SK01D2003 का दुर्घटनाग्रस्त होने से यह घटना घटी। सिक्किम के 4 माइल के कुमरिक के निवासी और उक्त ट्रक के चालक बुद्धा तामांग की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। रम्फू पुलिस ने कहा कि दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर रम्फू पुलिस चौकी से 12 माइल इलाके में हुई, जहां पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। देश में दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि में आज तो ब्रेक लगा था, लेकिन तेल कंपनियों की जिस तरह से पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि कर रही है उससे आम जनता को बेहद परेशानियों में डाल दिया है। वहीं आपको बता दें कि राज्य की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल का दाम 115.12 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 99.83 रुपये प्रति लीटर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $112 प्रति बैलर पहुंचने के बाद तेल कंपनियों ने डीजल के थोक खरीददारों के लिए मूल्य में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। वहीं बढ़ती ईंधन के मूल्य से आम लोगों के अलावा हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा असर निजी बस ऑपरेटरों को हुआ है। इस बीच जानकारी मिली है कि डीजल के दाम बढ़ने से उत्तर बंगाल में सभी निजी बस सेवाएं बंद होने जा रही है। उत्तर बंगाल में विभिन्न रूटों पर बसों की कुल संख्या करीब 5,000 से ज्यादा है, जिनमें से अब तक करीब 2,500 मिनी वाहनों को रोका जा चुका है। वहीं इस बीच वाहनों के रुकने से अब यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोलकाता से पाक्योंग हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त उड़ानें फिर से हुई शुरू। दैनिक उड़ानों की संख्या पहुंची 3। उत्तर बंगाल का सबसे मुख्यतम एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट 14 दिनों के लिए बंद हो गया है और इसके चलते हवाई सेवा पूर्ण रूप से बाधित हो गई है। इसी क्रम में कोलकाता से पड़ोसी राज्य सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की गई है। इस बीच उक्त एयरपोर्ट में दैनिक उड़ानों की कुल संख्या अब 3 पहुंच चुकी है। वहीं कोलकाता के अलावा स्पाइस जेट दिल्ली के लिए दैनिक उड़ानें पाक्योंग एयरपोर्ट से संचालित करती आई है। एविएशन अथॉरिटी के निर्देशक राम तनु शाह ने जानकारी दी गई कि 25 अप्रैल तक कोलकाता पाक्योंग रूट के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जाएंगी। पर्यटन सीजन बढ़ने और बागडोगरा हवाई अड्डे के बंद होने से राज्य में अतिरिक्त उड़ानें संचालित की गई है। आपको बता दें कि बागडोगरा हवाई अड्डे को 14 दिनों के लिए रनवे के मरम्मत कार्य के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके तहत सिक्किम राज्य में अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर दी गई है।
चल रहा था बिना टिन नंबर से ही टोटो का शोरूम में गिरफ्तार। डीसीपी ने कहा, इस प्रकार की घटना पर सख्ती से की जाएगी कार्रवाई। सिलीगुड़ी शहर को जाम मुक्त करवाने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और ट्रैफिक लगातार अभियान चला रही है। बिना टिन नंबर वाले टोटो के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार रूप से उन्हें पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में गुप्त जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर डीसीपी अभिषेक गुप्ता ने सिलीगुड़ी संलग्न ईस्टर्न बाईपास इलाके में स्थित एक टोटो की शोरूम पर जांच के दौरान देखा कि वहां बिना टिन नंबर के टोटो बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने उक्त शोरूम के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। वहीं डीसीपी अभिषेक गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं पर सख्ती के साथ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। प्रॉब्लम आ चुकी ना, इटा रूट कॉज ही बंद करते हो बेसिकली जे भावे इलीगली बा अनऑथराइज्ड वे ते टोटो चलछे एटा अनेक जन देखा जाच्छे। अनेक जन मानुष डीलर बोले टोटो के टोटो वाला के फाइनेंस मॉडल दिए एरकम करछे, तो सेटार जन्य आमरा आरटीओ संगे रिक्वेस्टेशन करेछि जे जतो लिस्ट आछे এদের দেওয়া হোক, প্লাস আমরা থানাতেও এদের ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার জন্য একটা রিকোয়েশন করছি। থানা থেকেও এদের ম্যাচিং হবে যে কার ট্রেড লাইসেন্স আছে নেই আছে সব কিছু ম্যানেজ করে কি বেস্ট আমরা সলিউশন করতে পারবো সেটা আমরা চেষ্টা করব, যে রুট কজ থেকেই টোটো মানে সোর্স থেকেই বন্ধ করা যদি ইল্লিগালি এরকম সেল হচ্ছে। এটা আমাদের মাননীয় সিপি সাহেব আগেও জানিয়েছিলেন, সেই জন্য এখানে ইস্টার্ন বাইপাসে আজকে আমরা দুটা দোকান স্পট করতে পেয়েছি, ওদের এগেইনস্টে এখন লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া হবে। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद।